हाय गाइस, वेलकम बैक टू फूडी फेलो। उम्मीद करता हूँ सब कैरियर से होंगे और जान जाने होंगे, मज़े कर रहे होंगे। भारी भरकम दश के बाद आज हम जो हैं जोहर टाउन पहुँच चुके हैं और आज की वीडियो हमने सोचा कि थोड़ी खट्टी मीठी, थोड़ी चटकारेदार और थोड़ी मसालेदार होनी चाहिए। तो हम आपको लेके आए हैं आज हम आपको लेके आए चटनी पे, जहाँ के चटपटे खाने जो के बेसिकली है इंडिया से रिलेटेड फूड है वो दिखा रहे हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चटनी में लेके आए हैं और दिखाते हैं कि इंडिया के मज़ेदार चटपटे खाने पाकिस्तान में किस तरह के फ्लेवर्स के साथ आपको दिए जा रहे हैं। तो लेट्स गो विद मी और देखते हैं कि किस तरह का फ्लेवर है यहाँ पर जो आपको सर्व किया जा रहा है। इनका एम्बियंस है बहुत कूल, एम्बियंस इन्होंने बनाया हुआ है, देखिए ज़रा। और यहाँ पे हम बैठेंगे। तो ये इनका मेन्यू है, प्राइजेस इस पे मेंशन है। और ये इनके आइटम्स हैं। अच्छा, तो ऑर्डर जो है हमारा स्टार्ट हो गया है। अभी गुजराती पूड़ी आ गई है हमारी, तो अब मैं आपको ज़रा शक्ल दिखाता हूँ गुजराती पूड़ी की। ये देखें जी, ये है हमारी गुजराती पूड़ी। मैं आपको खा के बताती हूँ कि किस तरह की, कितनी लग, बहुत मज़ेदार दी है। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ी सी सोगी सोगी होगी, क्योंकि आपको अगर थोड़ा सा आइडिया, तो गुजराती पूड़ी में दही वगैरह और चटनियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा डलती हैं। तो ये खा के बताते हैं, इट्स वेरी डेलिकेट टू हैंडल बट आई हैव टू। अच्छा, इसके फ्लेवर्स मैं कुछ आपको बता दूँ। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जब आप मुँह में ऐड करते हैं इसको, तो सबसे पहले एक मीठी सी चटनी का टेस्ट आता है। ठीक है, उसके बाद सेव का टेस्ट आता है, और जो भी इन्होंने ऐड किए इसके अंदर, चने और जो भी मटेरियल ऐड किया उसका आता है। और देन आफ्टर टेस्ट जो है इसका, वो हल्का सा प्याज का और वो मीठी वाली चटनी का आफ्टर टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। पानी देख के बताती हूँ आपको, ये इन्होंने इसके साथ सर्व किया, दो इसके साथ देते नहीं हैं, बट ओ कितने पैसे इन्होंने आलू बुखारे भी डाला है भाई, ये बंटी का फेवरेट है। ठीक है, बताती हूँ। ओह माय गॉड, दिस इज सो रिफ्रेशिंग यार। ये घर में जो बनाते हैं ना हम लोग इमली आलू बुखारे का पानी, सेम ये उसी तरह का, ये बहुत मज़ेदार है इसका टेस्ट। और इसमें जैसे हम गोलगप्पे का पानी नहीं पीते हैं, उस तरह का भी फ्लेवर आ रहा है, बट घर का जो हम लोग खुद बनाते हैं ना आलू बुखारे और इमली का पानी, सेम उस जैसा, ये बहुत मज़ेदार है। अच्छा भाई, तो ये आ गया मसाला डोसा, साइज़ में काफ़ी बड़ा है। और ये देख सकते हैं आप, ये जो है इनकी कोकोनट चटनी है, ये इनका सांभर है जो कि डिफरेंट वेजिटेबल से बनता है, जिसके ऊपर इन्होंने भगाड़ दिया है लाल मिर्ची का और राई का। तो ये अब जो है मसाला डोसा देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओ भाई, इसमें जो है इन्होंने चिकन, लेट मी ओपन दिस, चेक कर लेते हैं क्या है इसके अंदर। अरे यार, ये देखें जरा, ये आलू और चिकन का इन्होंने जो है मिक्सचर बना के लगाया हुआ है, बीच में जो भाजी इन्होंने लगाई है, या पीठी कह सकते हैं आप इसको। तो अब जो है इसको खाते हैं और आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं इसका। ये हमारा डोसा है, काफ़ी क्रिस्पी है, और डोसे को पहले तो मैं लगाऊंगा इसके अंदर भी, ये जो इन्होंने अंदर पीठी रखी हुई है, चिकन आलू, और ये बीच में आप देख सकते हैं कलवंजी नज़र आ रही है, और ये देखिए रेड चिली है। पहले मैं लगाता हूँ इसको कोकोनट चटनी के साथ। बहुत यूनिक टेस्ट है, और हर एक चीज़ का अपना फ्लेवर है एक अलग से। और एक जो है मैं लगाता हूँ इसके साथ, ये देखें इसके ऊपर भी आपको जो है राई का ना लहजा से नज़र आ रहा है, और ये देख सकते हैं आप तड़का लगा हुआ है इसको लाल मिर्च का। ये लगाते हैं आलू,
आलू नहीं है, बीच में कोई वेजिटेबल ऐड की है इन्होंने, लाइक जैसे शलजम है। ज़बरदस्त यार, बहुत मज़ेदार है, बहुत ही यूनिक टेस्ट है। वैसे बेसिकली मैंने जो है ये पाव भाजी जो है ये मैंने जो है लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, लेकिन बहुत यूनिक टेस्ट है। तो नाउ इट्स माय टर्न कि मैं अपना ड्रीम फूड मील ट्राई करूं, ठीक है। मैं बहुत वीडियोस देखती हूं इन खानों की, इंडियन फूड्स की, मैं बहुत बड़ी यू नो क्रेजी फैन हूं। सो लकीली मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है लाहौर में रहते हुए। तो सबसे पहले तो ये मैं लूँगी भाजी, ठीक है, और भाजी को ट्राई करूँगी कोकोनट चटनी और सांबर की सब्ज़ी। सांबर की सब्ज़ी बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं उनके साथ मिक्स करके और कुकर में चढ़ा कर और इनका एक ब्लेंड सी हलीम टाइप बना कर बनाया जाता है। अच्छा, सब्ज़ी में बेसिकली बहुत ज़्यादा इन्होंने मसाले जो हैं वो टेस्टी ऐड किए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा अचारी सा टेस्ट आ रहा है, हल्की सी जो है वो खटास सी आपको महसूस हो रही है। कोकोनट चटनी खाली ट्राई करके देखते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसमें भगाड़ का फ्लेवर इस चीज़ को और ज़्यादा दुबाला कर रहा है और बहुत मज़ेदार है। मैं आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैंने अपना फेवरेट मील जो मैंने इमेजिन किया हुआ था वो ट्राई कर लिया। छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ठीक है, खाते खाते कि जो डोसा होता है ना वो चावल के आटे का और माश दाल से बनता है, ठीक है, तो इसका अपना कोई ऐसा फ्लेवर नहीं होता। सो इसलिए इसके साथ कोकोनट की चटनी और सांभर दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर दुबाला होता है। ये है राज कचौरी और ये है जी हमारा वड्डे वाला गोलगप्पा। हाँ जी रूपा जी, अब जो है हम जो है राज कचौरी पे अन्नी में जाने लगे हैं। बहुत गमनी लग रही है, ये इसमें आलू डले हुए हैं, साफ पता चल रहा है, ऊपर सेब डली हुई है। यार इनकी चटनियाँ इतनी रिफ्रेशिंग है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। इसमें से हरी मिर्च का बहुत मज़ेदार टेस्ट आ रहा है और इसके अलावा जो उन्होंने चटनियाँ अपनी ऐड की हुई हैं, चटनियाँ इनकी वाकई में बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है, सारा टेस्ट बहुत मज़ेदार थी। और इसके अलावा जो पानी था उनका, पानी मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, 10 out of 10। अच्छा मैं आपको एक मज़ेदार बात बता दूँ, ठीक है, जो इनकी गुजराती कचौड़ी है ना, ठीक है, गुजराती पूरी और ये ऑलमोस्ट ना सेम है। सो अगर आप आते हैं तो आप दोनों में से एक ट्राई कर सकते हैं। सो दोनों का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, ये मज़ेदार बात है, लेकिन ये आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे दोनों में से एक भी ट्राई कर लेते हैं तो। After eating this, I must say that chutney will never disappoint me. कभी भी highly recommended है, आप बिल्कुल हैं यहाँ पे और enjoy करें अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ आके। और usually simple मैदे वाली होती है जो इन्होंने पानी वो बनाया होता है, कटोरी बनाई होती है राज कचौरी में, लेकिन ये इनकी सूजी की है उन्होंने हमें बताया और अच्छी खासी क्रंची है। अभी बारिशों का सीज़न चल रहा है, दो गोलगप्पा वगैरह और ये सारी चीज़ें सोगी हो जाती हैं, बट नो डाउट इनकी जो है वो क्रंची ही है। अच्छा तो भाई आज की वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, प्लीज़ हमारी मेहनत को जो है शेयर किया करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और हमें अपनी रिकमेंडेशन दें वहाँ पे, ताकि जो है हम आपकी बताई हुई जगहों पर भी जाएँ और आपको खाना टेस्ट करके बताएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा टैग कर दें अपने चटखोरे दोस्तों के साथ और जो कि इंडियन फ्लेवर्स के लवर हैं उनको टैग कर दें, जानने वाला कोई इंडियन दोस्त लीग या फ्रेंड है तो उसको लेके आएँ और ट्रीट दे दें, उनको खुश कर दें यार।